साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस के गुप्ता। आज हमारा चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है टूथ एक्सट्रैक्शन। टूथ एक्सट्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है? टूथ एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि दांत को निकलवाना या दांत कुछ हार्ड चीज को चबाते समय निकल जाता है तो उसके बाद क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो दांत निकल जाने या दांत निकलवाने के बाद जो सामान्यतः समस्याएं आती हैं वो क्या हो सकता है? पर्टिकुलर पार्ट से ब्लीडिंग हो सकती है, उस जगह से ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा, दांत की जगह पर जख्म हो सकता है, जबड़े में दर्द हो सकता है। और चौथी चीज है न्यूरलजिक पेन हो सकता है जो कि किसी एक साइड में जाए या सर दर्द के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दांत को निकलने पर क्या क्या समस्याएं होती हैं? एक तो ब्लीडिंग हो सकती है, दूसरा वहां पर जख्म बन सकता है, जबड़े में दर्द हो सकता है, न्यूरलजिक पेन हो सकता है जो कि सर तक जा सकता है। कभी कभी लोग इसको माइग्रेन से भी जोड़ लेते हैं। तो आपको ये समस्याओं के बारे में पता पड़ गया। अब इसके लिए जो बेस्ट होम्योपैथी की दवाएं हैं या जो बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। टूथ एक्सट्रैक्शन को आप सामान्य न समझें, कभी कभी इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जख्म बन जाता है, जबड़े में दर्द हो सकता है, बहुत तेज दर्द भी होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले दांत के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो दांत का जो सबसे पहला पार्ट होता है जो सफेद कलर का आपको दिखता है इसको कहते हैं इनेमल। दांत का जो व्हाइट कलर का चमकता हुआ पार्ट आपको दिखता है एक पेंट होता है इस टाइप से, जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? इनेमल। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है? डेंटाइन। तीसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं पल्प, और पल्प के नीचे नर्व एंड ब्लड वेसल्स का गुच्छा रहता है। नर्व और ब्लड वेसल्स रहती हैं जो कि दांत निकालने के समय या दांत निकल जाने के समय इंज्योर्ड हो जाती। नर्व होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं, तो कभी कभी इनमें इंजुरी हो जाती है जो कि एक बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाती है। कई दिन तक नर्व इंजुरी होती है तो जबड़े में दर्द होता रहता है, और ये न्यूरलजिया जो है इतना तेज होता है कि ये पूरी साइड में भी दर्द हो सकता है, उस जगह पे स्वेलिंग आ सकती है टीथ जहाँ से निकलता है। अच्छा, इसके जो चारों तरफ जो साइड में जो पार्ट है वो क्या होते हैं? गम्स होते हैं जिनको जिंजीवा भी कहते हैं, और इसके बाद फिर बोनी पार्ट होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इनेमिल सबसे फर्स्ट पार्ट होता है चमकता हुआ, इसके बाद डेंटाइन होता है, इसके पास बाद जो है पल्प आता है, इसके बाद नर्व और ब्लड वेसल्स के गुच्छे रहते हैं, और ये जो सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं वो जिंजीवा के नाम से जानते हैं या जिनको गम्स कहते हैं, और इसके बाद फिर बोनी पार्ट होता है, बोन होती है। तो बोन में ये जो है फंसा रहता है। तो आप समझ गए होंगे दांत का स्ट्रक्चर, जो चमकता हुआ पार्ट होता है वो इनेमल होता है। ठीक है, अब इसके लिए जो बहुत ही अच्छी होम्योपैथी की दवाएं हैं वो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं और आप उनको समझिए। सबसे पहले यदि वहां पर ब्लीडिंग हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं? कैलेंडुला एक मदर टिंचर होता है होम्योपैथी में, जो कि एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। इस मदर टिंचर की आप 10 से 15 बूंद पानी में डालकर गार्गल कर सकते हैं। दूसरा, यदि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो फॉस्फोरस एक होम्योपैथी की मेडिसिन होती है,
फास्फोरस 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये आप पेशेंट को 3-4 टाइम दे सकते हैं, ब्लीडिंग तुरंत रुक जाएगी। हेमामेलिस भी एक दवा है जो भी ब्लीडिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। तो हेमामेलिस 30 या 200 में इसको दी जा सकती है, या इसका मदर टिंचर भी 5-10 ड्रॉप 2-3 टाइम पानी में डालकर पिलाया जा सकता है। तो ब्लीडिंग के लिए आपकी एक मेडिसिन और दो मेडिसिन मैंने आपको बता दी, एक फास्फोरस और दूसरी मेडिसिन है हेमामेलिस। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दांतों में पेन हो सकता है। पेन के लिए यदि न्यूरलजिक पेन है, नर्व का पेन है, यदि नर्व इंजरी हो गई है, तो हाइपेरिकम मेडिसिन, हाइपेरिकम 30 या 200 पोटेंसी में लेने से 3-4 टाइम आप ले लें, 5-5 ड्रॉप पानी में डालकर ले लें, या 5-6 ग्लोब्यूल 3-4 टाइम बार बार ले लें, तो आपको ये दर्द न्यूरलजिक पेन में रिलीफ हो जाएगा। और टिश्यू में पेन हो रहा है तो अर्निका मोंटाना, वहाँ का जो टिश्यू है, गम्स है या मस्कुलर पेन है वहाँ पर, तो अर्निका मोंटाना 30 या 200 पोटेंसी में लेने पर आपका जो पेन है, मस्कुलर या किसी भी प्रकार का दर्द है, इंजुरी का पेन है, वो आपका ठीक हो जाएगा। इसको भी 3-4 टाइम 6-6 ग्लोब्यूल फॉर्म में ले सकते हैं। ये हमने आपको एक बेसिक जानकारी दे दी है। हमारे वीडियो आपको एजुकेशन देने के लिए होते हैं। आप और अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिल लें। धन्यवाद।